अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निम्र आबिद, और आज से हम वर्ड के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आके वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड 2016। देन आज हम सीखेंगे कि हम वीकली स्टडी शेड्यूल अपना किस तरह बना सकते हैं। टेबल्स को यूज़ करते हुए हम अपना स्टडी टाइम टेबल किस तरह डिज़ाइन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आएंगे इंसर्ट टेब में। इंसर्ट टेब में आने के बाद मैं यहां से वर्ड आर्ट ले लूंगी। वीकली स्टडी टाइम टेबल, यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन अब मैं इंसर्ट टेब में आऊँगी। इंसर्ट टेब में आने के बाद टेबल्स, टेबल्स में आने के बाद हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे। जितनी भी आपको रो और कॉलम्स लेनी है आप वो सेलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद टैब को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट सेल में मूव करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टैब को यूज़ करते हुए आप नेक्स्ट सेल में मूव करते हो, ठीक है। देन संडे, एक रो हमारे पास इजाफी आ रही है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। सेल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ आ जाओगे डिलीट सेल। डिलीट सेल के बाद आपके पास जो हैं कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब आपने डिलीट इंटायर रो करनी है या इंटायर कॉलम करना है। मुझे पूरा कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट इंटायर कॉलम पे सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। तो देखें हमारे पास क्या हो गया, वो कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से हम इसे थोड़ा जूम करेंगे। ये जो कॉलम है यहाँ मैं टाइमिंग सेट करूँगी 7 to 8। eight to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, ठीक है। और ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको हम मर्ज कर देंगे, मर्ज सर, ठीक है। अब मर्ज करके मैंने यहाँ क्या लिखना है कि ये जो टाइमिंग है ये कौन सी है, मॉर्निंग की टाइमिंग है। तो यहाँ मैंने लिख दिया मॉर्निंग, सही। अब मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रही हूँ इसको मैं थोड़ा टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करूँ, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ आ जाएंगे अलाइनमेंट टूल पर, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। फिर तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब मुझे इसके नीचे चाहिए होंगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट में आओगे। इंसर्ट, इंसर्ट आपने कॉलम, कॉलम टू राइट, रो अबव या रो बिलो। मुझे बिलो रो ऐड करनी है तो मैं
रो ब्लो कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगी, नीचे मजीद रोज आ गई, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टरनून की टाइमिंग सेट करेंगे 12 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 तक हमने सेलेक्ट कर ली, लिख ली। अब क्या करूँगी, मैं इन सब सेल्स को मर्ज कर दूँगी, ठीक है। मर्ज करने के बाद मर्ज सेल्स, अब यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे हम आफ्टरनून का, आफ्टरनून, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करके भी आप रोज एंटर कर सकते हो, और सिंपल आप नीचे क्लिक करोगे तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होती जाएंगी, रोज एंटर होती जाएंगी, ओके। अब इवनिंग की टाइमिंग हम सेट करेंगे 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10। अगेन मैं इनको मर्ज करूँगी, मर्ज करने के बाद यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँगी इवनिंग, इवनिंग को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आए हम अलाइनमेंट में, टेक्स्ट डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, ओके। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहो तो सिंपल आप यहाँ आके इसको सेंटर पे कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस आफ्टरनून को भी मैं सेंटर में रखूँगी, और इस मॉर्निंग को भी मैं सेंटर में रखूँगी, ओके। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो टाइम, अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास टाइम, ठीक है। यहाँ कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमें मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम डिज़ाइन टैब में आएंगे, और यहाँ से हम टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कितना खूबसूरत लगा है, मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ फिर आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।